हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सामने खुलेंगे और यहाँ पर आप काम करें, ठीक है। अब हमने यहाँ से आगे बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीख लिया, ठीक है। अभी हमें ये टेंशन नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है, हमें ये टेंशन नहीं क्या लिखा हुआ है, टैग्स क्या होते हैं, ये वो क्या होते हैं, ठीक है। अभी हमारा मकसद है कि हम लोग जो भी यहाँ करें हमारे पास में उसकी आउटपुट आ सके, ठीक है। यूजली टर्मिनल जो है ना उसमें मसला आता है, ठीक है। तो हम लोग प्रोग्रामिंग जो है ना वो इसी से सीखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको प्रोजेक्ट सेट करवाया जा रहा था, ठीक है। तो अब जब आपका प्रोजेक्ट आपके वीएस कोड में ओपन हो गया है, तो नेक्स्ट आप क्या करते हैं, नेक्स्ट आपने अपनी एफ जी एस फाइल एडिट करनी होती है। एफ जी एस फाइल को हमने थोड़ा बहुत एडिट पहले भी किया था, ठीक है। ठीक है, ये मैंने जैसे सेव किया, आप देख सकते हैं कि हमारा हायर वॉइस एंड गर्ल्स वहां पर राइट साइड पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वही आउटपुट वहां पर आ रही है, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि हम कोई भी कोड करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके आउटपुट हमारे फोन में नजर आएंगे। दैट वे वी विल बी लर्निंग अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो बारी बारी हम स्टार्ट करते हैं। हमारी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट हमारी सबसे बेसिक है, ठीक है। तो हमने उसको पढ़ना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो मैं कोशिश में हूँ कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपडेट जो है हमारी साथ साथ नजर आते हैं। अच्छा, अब इसमें लगते हैं वो था कि अबाउट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर बात होती है, ठीक है। देखिए, आप उर्दू भी पढ़ते हैं, राइट, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, उसमें क्या होते हैं कि आपके पास जो है ना, ठीक है, आपके पास अक्सर क्या होती है, इंग्लिश में आपको सबसे पहले लेटर्स सिखाए जाते हैं, ठीक है। अगर लेटर्स होते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या होती है, लेटर्स को सम करके आप वर्ड्स बनाते हो, राइट। फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मायने हमेशा एक ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई का मतलब मी है, यानी आई का मतलब मैं ही और कोई नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें गर्दान सिखाई जाती है, ठीक है। गर्दान, सॉरी, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो प्रोबेबली या यू कैन कॉल इट केजी, फेल फाइल मफूल पढ़ाया जाता है। हमें एक फिगर को बात करनी है, एक्टिव और पैसिव टेंस पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। टेंस होते हैं उसके अंदर, राइट। यही चीज होती है ना हमारी बाकी लैंग्वेजेस में भी, ग्रामर, एग्जैक्टली ग्रामर होती है, राइट। जी, तो अब ये चीजें हमारी सादी जबान में होती है, बट यही मैं आपको बताऊं कि यही चीजें कंप्यूटर की जबान में होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर उर्दू नहीं समझता, कंप्यूटर पंजाबी नहीं समझता, ठीक है, बट आप जावास्क्रिप्ट कंप्यूटर को समझा सकते हैं, ठीक है। आप जावास्क्रिप्ट कंप्यूटर को समझा सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में लेटर्स क्या होंगे, जावास्क्रिप्ट में वर्ड्स क्या होंगे, कॉम्प्रिहेंशन क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, लिखने का अंदाज कौन सा होगा। उर्दू दाएं से बाएं शुरू होती है, जावास्क्रिप्ट बाएं से दाएं शुरू होगी, दाएं से बाएं शुरू होगी, एवरी सिंगल थिंग। बिल्कुल आप अपने माइंड में क्या रखें कि आप कैसे लैंग्वेज देखने जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे आपने सीखी हुई, वैसे, ठीक है। सो चलिए इसमें करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सबसे पहले मुझे ये बताना है कि आप लोगों को इस लफ्ज का मतलब पता है, व्हाट इज दिस वर्ड, ठीक है। कॉन्स्टेंट का क्या मतलब होगा, उर्दू में बताएगा। फिक्स, साकिन, मुस्तकिल, परमानेंट, राइट। सो कांस्टेंट इज इक्वल टू फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। कंप्यूटर हर चीज को वैल्यूज में समझता है, तो हमने वैल्यू का पोस्टफिक्स लगाया है हर चीज के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चीज है आपको ये बताना है मुझे आपने, कि ये क्या होता है, ये किसके बराबर है, चेंजेबल, राइट, गैर साकिन, ठीक है, नाइस। अच्छा, ये दो बातें हर बंदे को समझ में आ रही है, एग्जैक्टली। अब मजे की बात बताऊं, यही दोनों चीजें हमारी जावास्क्रिप्ट में भी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में वो कांस्टेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट, क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, आगे उसका कोई सा नाम दे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉन्स्टेंट बनाना चाहते हैं, उसका नाम रखते थे हम लोग फर्स्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, इसकी कोई भी वैल्यू कर देते हैं 4, और फिक्रे को कर देते हैं खत्म। आए जरा इन सवालों को पहले पढ़ते, ठीक है। आपको ऑलरेडी इन चीजों का आइडिया है, बट थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्म कर देंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आप इस फिगर को आपने मेरे साथ उर्दू में पढ़ना, ठीक है, इस फिगर को आपने मेरे साथ उर्दू में पढ़ना है, ये जो आपको लाइन नंबर 12 नजर आ रहा है, बहुत सिंपल है। वो कह रहे हैं 4 बराबर है फर्स्ट कॉन्स्टेंट के, जो उसका नाम फर्स्ट कॉन्स्टेंट है, और जो पीछे में टाइप किया है उसमें कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अगर आप इसको तसल्ली से पढ़े, ये यही कह रहे हैं कि 4 किसकी वैल्यू है, फर्स्ट कॉन्स्टेंट की, ठीक है। इसको इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट करके देख, वो कहता है एक कांस्टेंट लिया जिसका नाम फर्स्ट कांस्टेंट था, और वो बराबर है जिसके 4, इतना खत्म, राइट। उर्दू में भी जब हम देखते हैं तो ये बन रहा है, क्या आप में से कोई बंदा इस फिगर को नहीं समझ पा रहा, ये क्या फिगर लिखा रहा है। थोड़ा सा ऊपर वो कांस्टेंट को दिमाग में रखे, नीचे कांस्टेंट को शॉर्ट फॉर्म में जावा कांस्ट बोलते हैं, राइट। तो हम भी यहाँ पर ये कांस्टेंट है, उसकी कीमत 4, ओके। इस बार फिर हम इस कांस्टेंट की आउटपुट तो दिखा रहे, ओके। तो बताओ,
वही जो मैंने फर्स्ट कॉन्स बनाया ना वो हमें फोन में भी नजर आना चाहिए। एक्चुअली में बाकी ये कोडिंग है, आप देख सकते हैं फोन में चार लिखा है, राइट। तो हमने जो चीज सीखी, हमने ये देखा कि कंप्यूटर में आपने कोई भी वैल्यू रखनी है, ठीक है, उसको आप कुछ इस तरह से, अभी ना आता उसको ब्रेक डाउन आगे करते हैं, ठीक है। बट मेरा मकसद यह कि आपने पहले थोड़ा पढ़ना सीखना, कोडिंग की लैंग्वेज पढ़ना सीखना, इंग्लिश लिखी होती है उसको आप दाएं से दाएं, बाएं से दाएं पढ़ के एफ के प्लस सिक्वेंस समझ के आउटपुट बना लेते हैं। वैसे ही मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, चलिए ट्राई करते हैं। वेरिएबल को शॉर्ट फॉर्म में वार कहा जाता है, ठीक है। ये हमने पहला वार बनाया और वार की कीमत रखती, फॉर एग्जाम्पल वार के अंदर कोई भी चीज आप रख सकते हैं, हाल से वार के अंदर रखती है 14, ठीक है। और नीचे मैंने कहा कि ये भी फोन में दिखा दो ताकि हमें पता लगे कि हमारा फर्स्ट बार जो है वो चल, ठीक है। यहाँ पे भी टेंशन नहीं लेनी कि रिजवान भाई की फोन में किस तरह की आउटपुट आ रही है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना है कि हम जो इंग्लिश में चीजें लिखते हैं वो भी अगर हम जावास्क्रिप्ट में लिखें तो थिंग्स विल वर्क, ओके। वो कह रहे हैं फर्स्ट वार स्पेलिंग, ठीक है। ओ ये फिस्ट वार लिख दिया मैंने, ये देख सकते हैं आप, कोई बात नहीं। जावास्क्रिप्ट जो है ना थोड़ी हल्की लैंग्वेज है बाकी लैंग्वेजेस के हिसाब से, अगर आपने पहले जावा या कोटलिन किसी भी काम से, उसमें अगर आप जावास्क्रिप्ट के कुछ असूलों को नहीं लेते तो भी फाइन है, ठीक है, वो खुद इन्फर कर लेती है। तो थोड़ी सी इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है, ठीक है। अभी नीचे वाली लाइन पड़ी, ये वाली, ये क्या कह रहा है कि एक वेरिएबल है जिसका नाम है फर्स्ट बार और उसकी कीमत क्या है 14। क्या ये कहानी समझ में आती है? पढ़ा जा रहा है ना, मतलब कोई दुनिया की डिफरेंट चीज तो नहीं लग रही, ओके। अब यहाँ देखते हैं, अब एक और वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, आर से एक बार, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, फर्स्ट कांस्टेंट को जमा कर दो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज का क्या बन गया, सम बन गया, राइट। नीचे आके मैं कहता हूँ इन दोनों वैल्यूज का सम भी हमने दिखाना है, आप देखेंगे कि नीचे आपको वो नजर आ, राइट, 18.2 भी नजर आ रहा है, 14.2 जमा 4 18.2। अब ये वाली लाइन किसी को नहीं समझ में आई, पता पढ़ी जा रही, एक वेरिएबल था जिसका नाम सम है, वो बराबर है ऊपर वाले फर्स्ट कांस्टेंट और उससे ऊपर वाले फर्स्ट वेरिएबल के जमा के। जो नॉन टेक्निकल बंदे भी हैं जरा क्या वो बता सकते हैं क्या ये तीन लाइन समझ में? मामा यूसुफ, आपका अगर नहीं समझ में आया आप सवाल मुझे बताएं, मैं आपका सवाल आंसर कर सकता हूं। चले मैं अब बंदा टारगेट करता हूँ, वो बंदे चैट में लिखेंगे रविशा, इकरा, तलहा और तहसीन, और तहसीन सतार और शुएब रफी, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर मुझे ये बताना है कि मैं लिखना चाह रहा हूँ डिफरेंस माइनस करना, वो बराबर कैसे होगा, ऊपर वाली लाइन से एग्जांपल लें और मुझे यहाँ पर आउटपुट लिख के चैट में अमन नसीब। सम अगर आपने बनाया तो डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और अभी आप लोगों को घर वालों ने बोला था हल्ला माफी कर, रियाजी करें बहुत मुश्किल होती है, अभी आप लोग मेरे साथ कह रहे हैं नो, यहाँ पे अभी किसी एक का भी आंसर, सबा यूसुफ ने थोड़ा उल्टा आंसर कर दिया, फर्स्ट वार में से क्यों माइनस कर रहे हैं, हमने तो यहाँ फर्स्ट कॉन्स में से सम किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट कॉन्स माइनस फर्स्ट वार, ठीक है। तो नीचे चलते हैं और इसको भी प्रिंट कर देते हैं, ये सम के साथ साथ हमें डिफरेंस भी नजर आ जाए फोन के ऊपर। अच्छा ये क्यूट नहीं लग रहा, थोड़ा सा क्यूट कर लेते हैं। सो हम ये कर सकते हैं, हम अभी ये देखिएगा, आपसे बेसिक जमा नफी करवा के मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड पे ऐप बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए जी, दोनों सवाल और कीजिए, ये वाली लाइन में फर्स्ट कॉन्स्टेंट की वैल्यू 14.4 है और फर्स्ट बार की वैल्यू क्या है, ये इस तरह से आंसर, ठीक है। सॉरी सब यू राइट, मीनिंग ठीक है, या मेरी जैसी लिखी है जी। तो अब आप देख सकते हैं हमने सिर्फ 3-4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए और वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ऐप में नजर आ रहे हैं, तो हमें लर्निंग भी हो रही है ना। एडिटर की थीम बहुत डिम है, दिखने में मसला हो रहा है, ओके ठीक है। अब ठीक है चले, ओके गाइस, यहाँ तक हमने ये सीखा कि इफ यू गोना वर्क इन प्रोग्रामिंग, आपके जो टूल्स हैं वो अच्छे होंगे तो आपको प्रोग्रामिंग की जल्दी समझ में आए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल इसका ना रियाजी मल्टीप्लाई भी कर दें, हमें थोड़ा सा वो भी समझ में आ जाए। सो मल्टीप्लाई बहुत आसान है, ठीक है, यू जस्ट से कि जी मुझे डिफरेंस की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, और फर्स्ट कॉन्स्टेंट को किधर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ठीक है,
और मतलब जैसे आपने डिफरेंस लिखा है वैसे ही इसका मल्टीप्लीकेशन भी यहाँ पे लिखते हैं। तो आपको नीचे 56.8 आउटपुट नजर आ रही, राइट। तो कितना कितना एक मुश्किल था ये समझना कि दो वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम परफॉर्म करते हैं, उनकी हम आउटपुट फॉर्म भी ले सकते हैं, राइट। अब ये कहाँ पे कोड कर रहा हूं मैं, ऐप जेएस के अंदर, ठीक है। आउटपुट में कहाँ देख रहा हूँ, फोन के अंदर। अब जिन बच्चों का पहले वीक में यही नहीं सेट हुआ, अब तक का ये जो जितने बाकी भी डेवलपर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले भी कोर्स किया हुआ, इससे आसान सेटअप आज तक जिंदगी में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। एक टूल इंस्टॉल किया, एक कंपाइलर इंस्टॉल किया, एक कमांड लगाई है, दूसरी कमांड लगाई है, सब कुछ चल रहा है। मतलब टोटली चार स्टेप्स में यू आर बिल्डिंग अ फुल फ्लेज्ड मोबाइल ऐप। कितने बंदे हैं जो कहते हैं कि मतलब इससे भी आसान है बाकी कोई कोडिंग? यहाँ यूनिटी वाले बैठे हैं, यहाँ नेटिव एंड्रॉइड वाले बैठे हैं, यहाँ जो है डॉट नेट वाले बैठे हैं, राइट, वेब वाले बैठे, राइट। ये रिएक्ट ही तो है मोमन नुमान, ये रिएक्ट ही तो है, वही रिएक्ट बट चल कहा रही है मोबाइल में, है ना आसान। ये चीज हम लोगों ने समझनी, हमने अपने कॉन्सेप्ट को लाइट करना है यार, ठीक है, हमने अपने कॉन्सेप्ट को लाइट करना है, तो हमने वाले समझना है, ठीक है। तो चलिए आज हमने जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में सिर्फ ये देखा कि आप कुछ भी लिखना है वो कहाँ जिंदा रहता है, कॉन्स्टेंट्स में या वेरिएबल्स में, ठीक है जी। इसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कल मेरी कोशिश होगी कि हम थोड़ा स्ट्रिक्टली पढ़े, बच्चों की चैट क्या कहती है मुझे वो छोड़ना पड़ेगा। जिसने भाई सवाल पूछने, जिसको कोई मसला है वो अपनी चैट मैसेंजर पे मुझे अपना सवाल भेज दें, मैं कोशिश करूंगा रात को हल हो जाए, नहीं तो कल क्वेश्चन के बीच में हल होगा, आईना नहीं करना। कोशिश करें, इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह हम, विद टाइम, टाइम लगेगा, कोई पीछे नहीं है। किसी ने अगर कुछ मिस कर दिया है मुझे रीच आउट करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सबका हो जाए सॉल्व, ठीक है। जिनका नहीं होगा सॉल्व उनको मैं कोई और टीम मेंबर असाइन कर दूंगा, वो लोग कर लेंगे, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे थम्स अप करिए, इसे शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख सको। और मैं इसी तरह से रोज नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो प्लीज इसे जरूर से सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।